Assalamu alaikum, hello guys, how are you? This is Alam. Today, will we start a lecture of class inter subject biology, lecture number 4, botany. Topic name is respiration process in plants. प्लांट के अंदर एस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है? एनिमल और प्लांट के दोनों के अंदर जो है एस्पिरेशन प्रोसेस होता है। एस्पिरेशन प्रोसेस मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें जो उनका फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बॉडी में सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है। बाद में जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एलिमिनेटेड हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एस्पिरेशन। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? एस्पिरेशन रिमूवल ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। रेस्पिरेशन के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट करता है और ऑक्सीजन गैस को यूज करता है, ठीक है। और सेकंड है वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डे टाइम के दौरान ग्लान एस्क्रीट करते हैं, डे टाइम के दौरान ग्लान एस्क्रीट करते हैं कौन से प्रोडक्ट, ऑक्सीजन प्रोडक्ट, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डे टाइम में ऑक्सीजन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो एस्क्रीट कर देता है क्लोरोजन एनवायरमेंट। ठीक है, और इसमें ये जो प्रोसेस होता है डे टाइम का, उसको प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो दो बेस्ट प्रोडक्ट है हो गए, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया ऑक्सीजन, और थर्ड बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है वाटर, क्या है वाटर, ठीक है। वाटर जो एस्क्रीट होता है वो दो प्रोसेस से होता है, वाटर जो एस्क्रीट होता है वो कितने प्रोसेस से होता है, दो प्रोसेस से होता है। वो कैसे के एक प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, एक प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और दूसरे प्रोसेस को कहते हैं रोटेशन, दूसरे प्रोसेस को क्या कहते हैं रोटेशन, ठीक है। इस दोनों प्रोसेस से क्या होता है कि वाटर एस्क्रीट होता है, क्या होता है वाटर एस्क्रीट होता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्क्रीट होती है, ऑक्सीजन जो एस्क्रीट होती है, और वाटर जो एस्क्रीट होता है, ये बेसिकली जो एस्क्रीट चीजें होती है ये थ्रो किस्तों में डाल देती है, थ्रो होती है स्टोमेटा में, थ्रो होती है, ठीक है। स्टोमेटा कहां होते हैं, सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। हम ये जो दो टर्म लगा रहे हैं ट्रांसपायरेशन और रोटेशन, ये एक एस्क्रीशन सिस्टम के दोनों हिस्से हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वो जो हम डिफरेंट पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो ये टॉपिक है कि एस्क्रीशन प्रोसेस ब्लॉक कैसे होता है, एस्क्रीशन प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एस्क्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, ये जो तीन प्रोसेस है, ये प्रोसेस काम किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टोमेटा काम है लीव्स, ठीक है, पत्तों में, जो दरख्त के दरख्त का जो हिस्सा है लीव्स है, उनके लीव्स के बॉडी सरफेस से जो होता है क्या होता है, एस्पिरेट होता है। अब हम आगे चलेंगे, ये लेक्चर हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे ट्रांसपायरेशन और गटिशन प्रोसेस। हम को कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं
स्टोमेटा, यहां से स्टोमेटा से वाटर एस्क्रिएट होता है। एवापोरेट होता है, वाटर क्या होता है? एवापोरेट होता है। तो ये क्या होगा? ट्रांसपायरेशन, यानी वाटर जो एस्क्रिएट होता है प्लांट के थ्रू, प्लांट के लीव्स के थ्रू, वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसिट थ्रू एस्क्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। वेपर्स का मतलब है कि जो वाटर एवापोरेट होगा वो गैसेस के शेप में होगा, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन डे टाइम होता है सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है, और थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू द स्टोमेटा। अब जो हम आएंगे वो आएंगे गटिशन, इसके आएंगे गटिशन। व्हाट इज गटिशन? गटिशन क्या है? गटिशन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेटेड करने का प्रोसेस है जो खास तौर पर प्लांट के अंदर होता है। इसमें जब वाटर एस्क्रिएट होता है, इलिमिनेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? शबनम ड्यू, पानी के जो कतरे होते हैं उनके उसके व्यवहार से जो है वाटर एस्क्रिएट होता है। हम इस डेफिनेशन के बाद गटेशन, गटेशन प्रोसेस थ्रू वाटर एस्क्रिएट from leaves in the form of drops is called gutation, is called gutation, ठीक है? drops के सूरत में, ड्रॉप के सूरत में लीव जो होता है, लीव के थ्रो जो पानी एस्क्रिएट होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गटेशन, ठीक है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गटेशन। गटेशन जो होता है वो नाइट टाइम होता है। गटेशन क्या होता है? नाइट टाइम, रात के दौरान ही, ये रात के दौरान ही अमल में होता है, रात के टाइम में होता है, ठीक है? और ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस की वो कौन सी चीज है जिसके थोड़े प्रयास होता है, उसको कहते हैं आय एक्सोडेसी। क्या होता है? गटेशन होता है, ठीक है? आय के थ्रू क्या होती है?
ग्रेडेशन होता है, ठीक है। और ये जो टाइम है वो किस टाइम होता है, नाइट के टाइम, रात के वक्त। सुबह आप देखते हो जब रात गुजर गया, सुबह के टाइम, सुबह के टाइम में क्या होता है कि घास के ऊपर जो ग्रास है या जो भी या प्लांट्स है, मोस्टली जो है शरब, मोस्टली क्या होते हैं, शरब, शरब, शरब जो वो शरब एंड हर्ब एंड हर्ब जो जमीन के ऊपर ग्रास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब, ठीक है। हर्ब जो होते हैं विदाउट स्किन होते हैं, यानी जमीन के सरफेस पे काफी जो है हर्ब मिलते हैं कि अगर उनको आप देखोगे तो उनके यहाँ शरब शरब के जो पत्ते होते हैं या सारा जो प्लांट होता है सुबह के टाइम में उनके यानी लीफ के ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप नजर आते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। वो जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस किस करता है, ग्रेडेशन प्रोसेस, ये टाइप ऑफ एस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होते हैं, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए रिलीज होते हैं। उनमें ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, ग्रेडेशन प्रोसेस होता है। इसमें ये फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है, ठीक है, ये क्या है, लीफ है, ठीक है। ये लीफ के जो मार्जिन पार्ट है या टिप पोर्शन है, ये वाला टिप पोर्शन और ये जो मार्जिन मार्जिन पोर्शन है, ठीक है, यहां पे सोराख होते हैं, यहां पे क्या होते हैं, सोराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उस पोर्स को हम क्या कहते हैं, हार्ड एपिकल्स। ये इनके थ्रो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर होता है वो इस हार्ड एपिकल्स के थ्रो बाहर आते हैं और उनके जो आखिरी पोर्शन है वो ड्रॉप्स के सूरत में पत्ते के ऊपर जमा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। तो गटेशन क्या है, तो ये दोनों प्रोसेस से गटेशन और गटेशन और ट्रांसपायरेशन सिस्टम जो दोनों प्लांट के अंदर होते हैं। गटेशन प्रोसेस जो ज्यादा से ज्यादा एंजियोस्पर्म होता है, गटेशन के गटेशन के दौरान लीव्स के ऊपर सरफेस में स्पेशली एंजियोस्पर्म के अंदर जो होते हैं हाइड्रोटिस होते हैं, हाइड्रोटिस इज अ टाइप ऑफ पोर्स, उसके थ्रू क्या होते हैं ये पोर्शन जो पत्ते के मार्जिन पोर्शन होता है, लीफ मार्जिन पोर्शन होता है, वहाँ से क्या होता है, स्केलेट होते हैं और पत्ते के ऊपर ड्यू की शेप में क्या होते हैं, यानी रुक जाते हैं और ट्रांसपायरेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट के जो सिस्टम होता है वो या तो एक लिक्विड के शेप में एस्केलेट होता है या जेली लाइक शेप में एस्केलेट होता है। उसमें जो है पहला जो प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर लेटेक्स है, लेटेक्स ये वेस्ट प्रोडक्ट है, खासतौर पे रबर प्लांट के अंदर, ठीक है, रबर प्लांट के अंदर ये लेटेक्स वेस्ट प्रोडक्ट है। वो अपने जब भी ये रबर प्लांट इंजर्ड होता है वो इससे इंजर्ड कर देता है कि उनके बॉडी से जो पानी निकलता है वो पानी जो होता है आखिर में बाहर आके जम जाता है, वो टाइप का लेटेक्स टाइप। और रिजेंस
ये भी माइनस स्ट्रीम में जो है वेस्ट प्रोडक्ट है वो ये है तथा गम्स गम्स भी एक टाइप है वेस्ट मटेरियल जो लेटेक्स के ही तहत जैसा जो है एस्केप होता है जब कोई प्लांट इंजर्ड होता है इसका जो एग्जाम्पल है कीकर कीकर एक टाइप ऑफ प्लांट थ्रो गम्स आने से ये तीनों जो वेस्ट प्रोडक्ट है दूसरे प्लांट्स का ठीक है। तो ये था टॉपिक बॉटनी का एस्टिमेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। तो आई होप दैट के आप बहुत आपने इसको लेक्चर को रिवाइज करना है समझना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो हम व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और जवाब पूछ सकते हैं इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। ओके थैंक्स।